अपनी श्रेष्ठ पवित्र वृत्ति द्वारा वायुमंडल को पावरफुल बनाने वाली शक्तिशाली आत्माओं को ओम शांति। आज के बाबा के साकार महावाक्य हैं 21 सितंबर 2020। आज बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, संगम पर तुम्हें प्यार का सागर बाप प्यार का ही वर्षा देते हैं, इसलिए तुम सबको प्यार दो, गुस्सा मत करो। आज बाबा ने प्रश्न पूछा, अपने रजिस्टर को ठीक रखने के लिए बाप ने तुम्हें कौन सा रास्ता बताया है? तो बाबा ने उत्तर दिया, प्यार का ही रास्ता बाप तुम्हें बतलाते हैं, श्रीमत देते हैं, बच्चे हर एक के साथ प्यार से चलो, किसी को भी दुख नहीं दो, कर्म इंद्रियों से कभी भी उल्टा काम नहीं करो, सदा यही जांच करो कि मेरे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है, मूढ़ी तो नहीं हूँ, कोई बात में बिगड़ता तो नहीं हूँ। आज बाबा ने गीत सुनाया, यह वक्त जा रहा है, ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना, दिन प्रतिदिन अपना घर अथवा मंजिल नज़दीक होती जाती हैं। अब जो कुछ श्रीमत कहती हैं उसमें गफलत न करो, बाप का डायरेक्शन मिलता है कि सबको मैसेज पहुंचाओ। बच्चे जानते हैं लाखों करोड़ों को यह मैसेज देना है, फिर कोई समय आ भी जाएगा, जब बहुत हो जाएंगे तो बहुतों को मैसेज देंगे। बाप का मैसेज मिलना तो सबको है, मैसेज है बहुत सहज, सिर्फ बोलो अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो, और कोई भी कर्म इंद्रियों से मनसा वाचा कर्मणा कोई भी बुरा काम नहीं करना है, पहले मनसा में आता है तब वाचा में आता है। अभी तुमको राइट रॉन्ग समझने की बुद्धि चाहिए, यह पुण्य का काम है, यह करना चाहिए। दिल से संकल्प आता है गुस्सा करे, अब बुद्धि तो मिली है, अगर गुस्सा करेंगे तो पाप बन जाएगा, बाप को याद करने से पुण्य आत्मा बन जाएंगे। ऐसे नहीं अच्छा अभी हुआ फिर नहीं करेंगे, ऐसे फिर करते रहने से आदत पड़ जाएंगी। मनुष्य ऐसा काम करते हैं जो समझते हैं यह पाप नहीं है, विकार को पाप नहीं समझते हैं। अभी बाप ने बताया है यह बड़े से बड़ा पाप है, इन पर जीत पानी है, और सबको बाप का मैसेज देना है कि बाप कहते हैं मुझे याद करो, मौत सामने खड़ा है, जब कोई मरने पर होता है तो उनको कहते हैं गॉडफादर को याद करो, रिमेम्बर गॉडफादर। वह समझते हैं यह गॉडफादर के पास जाते हैं, परंतु वो लोग यह तो जानते नहीं कि गॉडफादर को याद करने से क्या होगा, कहाँ जाएंगे। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हैं, गॉडफादर के पास तो कोई जा ना सके, तो अब तुम बच्चों को अविनाशी बाप की अविनाशी याद चाहिए। जब तमो प्रधान दुखी बन जाते हैं तब तो एक दो को कहते हैं गॉडफादर को याद करो, सब आत्माएं एक दो को कहती हैं, कहती तो आत्मा है ना, ऐसे नहीं कि परमात्मा कहते हैं, आत्मा आत्मा को कहती है बाप को याद करो। यह एक कॉमन रसम है, मरने समय ईश्वर को याद करते हैं, ईश्वर का डर रहता है, समझते हैं अच्छे व बुरे कर्मों का फल ईश्वर ही देते हैं,
बुरा कर्म करेंगे तो ईश्वर धर्मराज द्वारा बहुत सजा देंगे, इसलिए डर रहता है। बरोबर कर्म इंद्रियों की भोगना तो होती है ना। तुम बच्चे कर्म अकर्म विकर्म की गति को समझते हो, जानते हो यह कर्म अकर्म हुआ। याद में रहे, जो कर्म करते हैं वह अच्छे करते हैं। रावण राज्य में मनुष्य बुरे कर्म करते हैं, राम राज्य में बुरा काम कभी नहीं होता। अभी श्रीमत मिलती रहती है, कहाँ बुलावा होता है, यह करना चाहिए व नहीं करना चाहिए, हर बात में पूछते रहो। समझो कोई पुलिस की नौकरी करते हैं तो उन्हें भी कहा जाता है, तुम पहले प्यार से समझाओ। सच्ची ना करे अर्थात ना कहे तो बाद में मार। प्यार से समझाने से हाथ आ सकते हैं, परंतु उस प्यार में भी योग बल भरा हुआ होगा, तो उस प्यार की ताकत से कोई को भी समझाने से समझेंगे। यह तो जैसे ईश्वर समझाते हैं। तुम ईश्वर के बच्चे योगी हो, तुम्हारे में भी ईश्वरीय ताकत है। ईश्वर प्यार का सागर है, उनमें ताकत है ना, सबको वर्षा देते हैं। तुम जानते हो स्वर्ग में प्यार बहुत होता है, अभी तुम प्यार का पूरा वर्षा ले रहे हो। लेते लेते नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार करते करते प्यारे बन जाते हो। बाप कहते हैं किसी को भी दुख नहीं देना है, नहीं तो दुखी होकर मरेंगे। बाप प्यार का रास्ता बताते हैं, मनसा में आने से वह शकल में भी आ जाता है। कर्म इंद्रियों से कर लिया तो रजिस्टर खराब हो जाएगा। देवताओं की चाल चलन का गायन करते हैं ना, इसलिए बाबा कहते हैं देवताओं के पुजारियों को समझाओ, वह महिमा गाते हैं। आप सर्वगुण संपन्न सोलह कला संपूर्ण हो और अपनी चाल चलन भी सुनाते हैं, तो उनको समझाओ तुम ऐसे थे अब नहीं हो, फिर होंगे जरूर। तुमको ऐसा देवता बनना है तो अपनी चाल ऐसी रखो तो यह बन जाएंगे। अपनी जांच करनी है, हम संपूर्ण निर्विकारी हैं, हमारे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है, कोई बात में बिगड़ता तो नहीं हो, मूढ़ी तो नहीं बनता हूँ। अनेक बार तुमने पुरुषार्थ किया है, बाप कहते हैं तुमको ऐसा बनना है, बनाने वाला भी हाजिर है, कहते हैं कल्प कल्प तुमको ऐसा बनाता हूँ। कल्प पहले जिन्होंने ज्ञान लिया है वह जरूर आकर लेंगे, पुरुषार्थ भी कराया जाता है और बेफिक्र भी रहते हैं। ड्रामा की नूंद ऐसी है, कोई कहते हैं ड्रामा में नूंद होगी तो ज़रूर करेंगे, अच्छा चार्ट होगा तो ड्रामा कराएगा, समझा जाता है उनकी तकदीर में नहीं है। पहले पहले भी एक ऐसा बिगड़ा था, तकदीर में नहीं था, बोला ड्रामा में होगा तो ड्रामा हमको पुरुषार्थ कराएगा, बस छोड़ दिया। ऐसे तुमको बहुत मिलते हैं, तुम्हारा एम ऑब्जेक्ट तो यह खड़ा है, बैज तो तुम्हारे पास है। जैसे अपना पोता मेल देखते हो तो बैज को भी देखो, अपनी चाल चलन को भी देखो, कभी भी क्रिमिनल आँख ना हो, मुख से कोई इविल बात ना निकले। इविल बोलने वाला ही नहीं होगा तो कान सुनेंगे कैसे। सतयुग में सब देवी गुण वाले होते हैं, इविल कोई होता नहीं, उन्होंने भी प्रारब्ध बाप द्वारा ही पाई है। यह तो सबको बोलो, बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे,
इसमें नुकसान की कोई बात नहीं, संस्कार आत्मा ले जाती हैं। सन्यासी होगा तो फिर सन्यास में आ जाएगा, झाड़ तो उनका बढ़ता रहता है ना। इस समय तुम बदल रहे हो, मनुष्य ही देवता बनते हैं। सब इकट्ठे थोड़े ही आएंगे, आएंगे फिर नंबरवार। ड्रामा में कोई बिगर एक्ट थोड़े ही स्टेज पर आ सकेंगे, अंदर बैठे रहते हैं। जब समय होता है तो बाहर स्टेज पर आते हैं पार्ट बजाने, वह है हद का नाटक, यह है बेहद का नाटक। बुद्धि में है हम एक्टर्स को अपने समय पर आकर अपना पार्ट बजाना है, यह बेहद का बड़ा झाड़ है। नंबरवार आते जाते हैं, पहले पहले एक ही धर्म था, सभी धर्म वाले तो पहले पहले आ न सके। पहले तो आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले ही आएंगे पार्ट बजाने, सो भी नंबरवार। झाड़ के राज को भी समझना है, बाप ही आकर सारे सृष्टि का ज्ञान सुनाते हैं। इनकी भेंट फिर निराकारी झाड़ से होती है। एक बाप ही कहते हैं, मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का मैं बीज हूँ। बीज में झाड़ समाया हुआ नहीं है, लेकिन झाड़ का ज्ञान समाया हुआ है। हर एक का अपना अपना पार्ट है। चैतन्य झाड़ है ना, झाड़ के पत्ते भी नंबरवार निकलेंगे। इस झाड़ को कोई भी समझते नहीं है, इनका बीज ऊपर में है, इसलिए इनको उल्टा वृक्ष कहा जाता है। रचयिता बाप है ऊपर में। तुम जानते हो हमको जाना है घर, जहाँ आत्माएं रहती हैं। अभी हमको पवित्र बनकर जाना है। तुम्हारे द्वारा योग बल से सारी विश्व पवित्र हो जाती है। तुम्हारे लिए तो पवित्र सृष्टि चाहिए ना। तुम पवित्र बनते हो तो दुनिया भी पवित्र बनानी पड़े। सब पवित्र हो जाते हैं। तुम्हारी बुद्धि में है, आत्मा में ही मन बुद्धि है ना, चैतन्य है। आत्मा ही ज्ञान को धारण कर सकती है। तो मीठे मीठे बच्चों को यह सारा राज बुद्धि में होना चाहिए। कैसे हम पुनर्जन्म लेते हैं, 84 का चक्र तुम्हारा पूरा होता है तो सबका पूरा होता है, सब पावन बन जाते हैं। यह अनादि बना हुआ ड्रामा है, एक सेकंड भी ठहरता नहीं है। सेकंड बाय सेकंड जो कुछ होता है सो फिर कल्प बाद होगा। हर एक आत्मा में अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। वह एक्टर्स करके 2-4 घंटे का पार्ट बजाते हैं। यह तो आत्मा को नेचुरल पार्ट मिला हुआ है, तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। अतीन्द्रिय सुख अभी संगम का ही गाया हुआ है। बाप आते हैं 21 जन्मों के लिए, हम सदा सुखी बनते हैं। खुशी की बात है ना, जो अच्छी रीति समझते और समझाते हैं वह सर्विस पर लग जाते हैं। कोई बच्चे खुद ही अगर क्रोधी हैं तो दूसरे में भी प्रवेशता हो जाती हैं। ताली दो हाथ से बजती हैं, वहाँ ऐसा नहीं होता सतयुग में। यहाँ तुम बच्चों को शिक्षा मिलती है, कोई क्रोध करे तो तुम उन पर फूल चढ़ाओ, प्यार से समझाओ। यह भी एक भूत है, बहुत नुकसान कर देगा। क्रोध कभी नहीं करना चाहिए, सिखाने वाले में भी क्रोध बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नंबरवार पुरुषार्थ करते रहते हैं, किसी का तीव्र पुरुषार्थ होता है, किसी का ठंडा।
ठंडे पुरुषार्थ वाले जरूर अपनी बदनामी करेंगे। कोई में क्रोध है तो जहाँ जाते हैं वहाँ से निकाल देते हैं। कोई बदचलन वाले रह नहीं सकते। इम्तहान जब पूरा होगा तो सबको पता पड़ेगा कौन कौन क्या बनते हैं। सब साक्षात्कार होगा। जो जैसा काम करते हैं उनकी ऐसी महिमा होती है। तुम बच्चे ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हो। तुम सब अंतर्यामी हो। आत्मा अंदर में जानती है यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। सारे सृष्टि के मनुष्यों की चाल चलन का सब धर्मों का तुम्हें ज्ञान है। उनको कहा जाता है अंतर्यामी। आत्मा को सब मालूम पड़ गया। ऐसे नहीं भगवान घट घट वासी हैं। उनको जानने की क्या दरकार है। वो तो अभी भी कहते हैं जो जैसा पुरुषार्थ करेंगे ऐसा फल पाएंगे। मुझे जानने की क्या दरकार है। जो करता है उसकी सजा भी खुद पाएंगे। ऐसी चलन चलेंगे तो अधम गति को पाएंगे। पद बहुत कम हो जाएगा। उस स्कूल में नापास हो जाते हैं तो फिर दूसरे वर्ष में पढ़ते हैं। यह पढ़ाई तो होती ही है कल्प कल्पांतर के लिए। अब न पढ़े तो कल्प कल्पांतर नहीं पढ़ेंगे। ईश्वरीय लॉटरी तो पूरी लेनी चाहिए ना। यह बातें तुम बच्चे समझ सकते हो। जब भारत सुखधाम होगा तब बाकी सब शांति धाम में होंगे। बच्चों को खुशी होनी चाहिए। अब हमारे सुख के दिन आते हैं। दीपमाला के दिन नज़दीक होते हैं तो कहते हैं ना बाकी इतने दिन हैं फिर नए कपड़े पहनेंगे। तुम तो कहते हो स्वर्ग आ रहा है। हम अपना श्रृंगार करें तो फिर स्वर्ग में अच्छा सुख पाएंगे। साहूकारों को तो साहूकारी का नशा रहता है। मनुष्य बिल्कुल घोर अंधियारे में है। फिर अचानक पता पड़ेगा यह तो सच कहते थे। सच तो तब समझे जब सच का संग हो। तुम अभी सच के संग में हो। तुम सत बनते हो सत बाप द्वारा। वह सब असत्य बनते हैं असत्य द्वारा। अभी कॉन्ट्रास्ट भी छपा रहे हैं कि भगवान क्या कहते हैं और मनुष्य क्या कहते हैं। मैगजीन में भी डाल सकते हो। आखिरीन विजय तो तुम्हारी ही है। जिन्होंने कल्प पहले पद पाया है वह जरूर पाएंगे। यह सर्टेन है अर्थात निश्चित है। वहाँ अकाले मृत्यु होती नहीं। आयु भी बड़ी होती है। जब पवित्रता थी तो आयु बड़ी थी। पतित पावन परमात्मा बाप हैं तो जरूर उसने ही पावन बनाया होगा। कृष्ण की बात शोभती नहीं। पुरुषोत्तम संगम युग पर फिर कृष्ण कहाँ से आएगा। वही फीचर्स वाला मनुष्य तो फिर होता नहीं। 84 जन्म 84 फीचर्स 84 एक्टिविटी यह बना बनाया खेल है। इसमें फर्क नहीं पड़ सकता। ड्रामा कैसा वंडरफुल बना हुआ है। आत्मा छोटी बिंदी है उसमें अनादि पार्ट भरा हुआ है। इसको कुदरत कहा जाता है। मनुष्य सुनकर वंडर खाएंगे। परंतु पहले तो यह पैगाम देना है कि बाप को याद करो। वही पतित पावन है सर्व का सदगति दाता है। सतयुग में दुख की बात होती नहीं। कलयुग में तो कितना दुख है। परंतु यह बातें समझने वाले नंबरवार हैं। बाप तो रोज समझाते रहते हैं। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा आया हुआ है हमको पढ़ाने। फिर साथ ले जाएंगे।
साथ में रहने वालों से भी बांधे लिया ज़्यादा याद करती हैं। वह ऊंच पद पा सकती हैं, यह भी समझ की बात है ना। बाप की याद में बहुत तड़पती हैं। बाप कहते हैं, बच्चे याद की यात्रा में रहो, देवी गुण भी धारण करो तो बंधन कट जाएंगे, पाप का घड़ा खत्म हो जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलथे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। आज की मुरली में बाबा ने धारणा के लिए सार कहा, उसमें पहला है, अपनी चाल चलन देवताओं जैसी बनानी है। कोई भी इविल बोल मुख से नहीं बोलने हैं, यह आंखें क्रिमिनल ना हो। दूसरा है, क्रोध का भूत बहुत नुकसान करता है, ताली दो हाथ से बजती है, इसलिए कोई क्रोध करे तो किनारा कर लेना है, उन्हें प्यार से समझाना है। आज बाबा ने वरदान दिया, अव्यक्त स्वरूप की साधना द्वारा पावरफुल वायुमंडल बनाने वाले अव्यक्त फरिश्ता भव। वरदान का डिटेल है, वायुमंडल को पावरफुल बनाने का साधन है अपने अव्यक्त स्वरूप की साधना। इसका बार बार अटेंशन रहे, क्योंकि जिस बात की साधना की जाती है उसी बात का ध्यान रहता है। और अव्यक्त स्वरूप की साधना अर्थात बार बार अटेंशन की तपस्या चाहिए, इसलिए अव्यक्त फरिश्ता भव के वरदान को स्मृति में रख शक्तिशाली वायुमंडल बनाने की तपस्या करो, तो आपके सामने जो भी आएगा वह व्यक्त और व्यर्थ बातों से परे हो जाएगा। आज का स्लोगन है, सर्वशक्तिमान बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ। अच्छा, ओम शांति।